जिला हमीरपुर के गांव धलोट में दर्जी की छोटी सी दुकान चला रहे बतन सिंह की बेटी शिवाली ने नालागढ़ में हुई प्रदेश एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर 18 वर्ग में 1500 मीटर एवं 3000 मीटर दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करके न केवल 2 स्वर्ण पदक जीते बल्कि अपने माता पिता गाँव व जिला का नाम रोशन करने के साथ साथ अन्य युवाओं के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत किया है कि यदि सही दिशा में कड़ी मेहनत की जाए तो सीमित संसाधनों एवं विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। पिछले 4 वर्षों से शिवाली को प्रशिक्षण दे रहे उनके प्रशिक्षक रजनीश शर्मा का कहना है कि शिवाली बेहद मेहनती एवं प्रतिभाशाली धाविका है और उन्हें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में वे देश व प्रदेश के लिए सम्मान प्राप्त करेगी। शिक्षा के मंदिर जहां हिमाचल सरकार शिक्षा का स्तर बढ़ाने और स्कूलों में मॉडर्न सुविधाएं देने की बड़ी बड़ी दलीलें देती है, लेकिन स्लोगड़ा स्कूल इन वायदों दलीलों और घोषणाओं से कोसों दूर है। तपती धूप में जहां कुछ देर खड़ा होना भी मुश्किल है, वहां विद्यार्थी सुबह से चिलचिलाती हुई धूप में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्लोगड़ा स्कूल 4 लेन के तहत अधिकृत कर लिया गया, जिसके वजह से भवन को तोड़ दिया गया, लेकिन बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था करना शिक्षा विभाग पूरी तरह से भूल गया। यही वजह है कि विद्यार्थी तपती गर्मी में शिक्षा लेने को मजबूर हो चुके हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियों के परिजन बेहद चिंतित हैं। परिजनों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की, जिसकी वजह से विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए तपती गर्मी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि स्कूल में 126 बच्चे हैं, लेकिन विभाग द्वारा केवल 2 कमरे उपलब्ध करवाए गए हैं, जो नाकाफी सिद्ध हो रहे हैं। यही वजह है कि विद्यार्थियों को खुले में बिठाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और भविष्य से खेल रहा है और अब सभी परिजन मन बना चुके हैं कि वे अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेंगे, क्योंकि भवन आधा गिर चुका है और आधा गिरने की कगार पर है। ऐसे में अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। सोलन का शांति बाईपास महज 5 किलोमीटर का है और करीब 10 वर्षों से इसका निर्माण कार्य चला हुआ है, लेकिन अभी तक इसका कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इसकी सबसे बड़ी वजह विभागों में आपसी तालमेल की कमी और अधिकारियों की लेट लतीफी है। यही कारण है कि कई वर्षों से बाईपास का निर्माण अधर में लटका हुआ है। यही कारण है कि शहरवासियों को रोज जाम का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन विभाग है कि कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने सड़क बनाने के लिए पहाड़ी खोद दी है और सड़क के आसपास आने वाले बिजली के पोलों को शिफ्ट करवाने के लिए आगरे के साथ साथ विभाग में शिफ्टिंग के पैसे भी जमा करवा दिए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड है कि गिरने की कगार पर खड़े करीबन आधा दर्जन पोलों को न जाने किस वजह से शिफ्ट नहीं कर रही है। शहरवासियों ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि खुदाई की वजह से बिजली के पोल कभी भी गिर सकते हैं और किसी भी बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकते हैं, लेकिन शायद विभाग किसी बड़ी दुर्घटना होने का ही इंतजार कर रहा है। उन्होंने कहा कि जहां ये पोल गिरने की कगार पर है वे आम रास्ता है, बच्चे बूढ़े और जवान सभी यहां से गुजरते हैं जो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, और अगर कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। इसलिए समय रहते इन बिजली के खंभों को यहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी अबेकस एजुकेशन के राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता हमीरपुर के अंतरिक्ष मॉल में आयोजित होने जा रही है, जिसमें शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हमीरपुर में होने जा रहे फाइनल राउंड में पूरे हिमाचल से 20 बच्चे भाग ले रहे हैं, जिन बच्चों का चयन पहले चरण में हुआ है। अबेकस एजुकेशन के प्रबंध निदेशक दीवान ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बच्चों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हल करने की समय अवधि 10 मिनट की होती है। इन 150 प्रश्नों में जमा, भाग, गुणा, घटाव के 2 डिजिट 10 वैल्यू से लेकर 15 वैल्यू 10 डिजिट तक के प्रश्न होते हैं, जिसको अबेकस के बच्चे 4 और 5 मिनट के अंदर कर लेते हैं। अगर इन बच्चों का
कैलकुलेटर के साथ मुकाबला किया जाए तो कैलकुलेटर भी इन बच्चों के आगे फेल होगा, क्योंकि ये बच्चे जिस तरह से अबेकस मेथड से कैलकुलेशन करते हैं उससे कोई भी कैलकुलेटर या अन्य प्रकार का डिवाइस फेल हो जाता है, क्योंकि इन बच्चों की स्पीड एक सेकेंड में 10 प्रश्न करने की क्षमता है। हमीरपुर के नादौन चौक पर सीनियर सिटीजन काउंसिल के सहयोग से वाटर कूलर स्थापित किया गया। चौक पर राकेश पुरी की दुकान के बाहर स्थापित किए गए वाटर कूलर में शुद्ध पानी की व्यवस्था के लिए वाटर प्यूरिफायर भी लगाया गया है। चौक पर वाटर कूलर लगने से जहां आम जनता को लाभ मिलेगा, वहीं अब उन्हें स्वच्छ पानी के लिए पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। वाटर कूलर को जनता को समर्पित करने से पूर्व विधिवत पूजा अर्चना की गई और उपस्थित लोगों को मिठाई भी बांटी गई। इस मौके पर दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के अध्यक्ष एडवोकेट सुशील शर्मा, मुख्य सलाहकार के खन्ना, कोषाध्यक्ष युद्धवीर पठानिया, प्रेस सचिव जसवीर कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि नादौन चौक पर वाटर कूलर के लिए दी उपभोक्ता संरक्षण संगठन के मुख्य सलाहकार के खन्ना ने काउंसिल को पत्र लिखा था, जिसके बाद उन्होंने इसे स्थापित करने का निर्णय लिया। कूलर की देखरेख व बिजली का सारा खर्च राकेश पुरी बहन करेंगे। सीनियर सिटीजन काउंसिल के प्रधान ने कहा कि काउंसिल द्वारा लोगों के हित में हमीरपुर में कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि लोगों के सहयोग से काउंसिल ने हमीरपुर के अस्पताल में रोगियों के लिए भोजन, गद्दे आदि की व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध करवाता है और दानियों के सहयोग से लोगों के हित के लिए आगे भी कार्य करती रहेगी।